आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बारे में। जी हाँ, ये एक नॉन फोल्डेबल सैमसंग का फोन है जो 2022 में लॉन्च हुआ है और इसके प्राइस भी थोड़े प्रीमियम है। वीडियो में हम जानेंगे इसके बॉक्स में क्या क्या दिया गया है और साथ ही एक छोटा सा रिव्यू भी इसका हम करेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। देखने में आप देख ही रहे होंगे कि कितना प्रीमियम लग रहा है और इसमें एक बिल्डिंग स्टाइलस भी दिया गया है। 12 GB रैम आपको मिलती है और साथ में मेमोरी के दो ऑप्शन मिलते हैं, 256 GB और 512 GB। तीन कलर वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएंगे, एक फैंटम व्हाइट, फैंटम ब्लैक और ऑल न्यू शेड बर्गंडी। और इस वीडियो में हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो है 12 GB का 256 GB वर्जन, यानी 256 GB मेमोरी का वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बॉक्स कंटेंट में अगर दूसरी कंपनीज के फोन के मुकाबले हम देखें तो इसमें शायद कुछ चीजें आपको कम मिले। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी फोन का केस आपको नहीं दिया गया है, यानी इसे आपको बाहर से लेना होगा। टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल बॉक्स में आपको मिलती है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन और सिम कार्ड इजेक्टर टूल दिया गया है, लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो दो चीजें आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी, जिसे मेरे हिसाब से आप खरीद सकते हैं अगर इतना प्रीमियम स्मार्टफोन ले रहे हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर और साथ में एक थर्ड पार्टी केस प्रोटेक्शन के लिए आपको लेना होगा। बढ़ते हैं इसकी डिजाइन की ओर। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का साइज वो काफी बड़ा है, इसे आप अगर हाथ में पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक बड़ा फोन। नोट सीरीज के फोन अगर आपने देखे होंगे या फिर यूज किए होंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना बड़ा साइज है इसका। वेट की बात करें 228 ग्राम है और थिकनेस जो है वो 8.9 mm दी गई है। इसकी स्क्रीन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया है, साथ ही IP68 सर्टिफाइड है। साथ ही बैक में भी एक मजबूत ग्लास की लेयर दी गई है। तो इसके डिस्प्ले की हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 6.8 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले जो बहुत ही प्रीमियम तो खैर लगेगा। साथ में इसके कलर करेक्शन जो है वो काफी अच्छे हैं। AMOLED 2X डिस्प्ले है जिसमें वीडियो वगैरह आप देखने में अच्छा महसूस करेंगे। इसकी अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 1750 निट्स जो है उसकी पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो काफी ब्राइट है, यानी आप आराम से इसको जो है दिन की रोशनी में भी अच्छी तरह देख सकते हैं। और अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो इसकी स्क्रीन में 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी दी गई है जो इसे और बेटर करती है। मेन पार्ट पे नजर डालते हैं जो है इसका कैमरा। गैलेक्सी S22 में काफी पावरफुल कैमरा दिया गया है, इसमें फार फील्ड जूम पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है, साथ में पोर्ट्रेट लेंस का जो फीचर वो भी इसमें आपको मिलता है। 3x या फिर 10x ऑप्टिकल जूम से आप जो भी पिक्चर लेते हैं उसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आसानी से यूज कर सकते हैं। फोन में क्वाड लेंस का सेटअप दिया गया है, 108 MP प्लस 10 MP प्लस 12 MP प्लस 10 MP कैमरा का जो सिस्टम है वो आपको इसमें पीछे मिलता है। कैमरे के बारे में और हम आगे दूसरे वीडियोस में चर्चा करेंगे जब इसे और बेटर तरीके से हम यूज कर लेंगे। गैलेक्सी S22 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एक्सनॉस चिपसेट दिया गया है जिसमें लेटेस्ट 4nm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मोबाइल प्लेटफॉर्म मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिला है। नॉर्मल यूजर्स पे लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। अगर गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से आपको इसमें मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इससे जुड़ा कोई अगर कमेंट है तो आप नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।